नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार आजमगढ़ के मंदिर एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री के 10 मार्च के कार्यक्रम का जायजा लिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत यूपी के 5 एयरपोर्ट से 19 सीटर विमान का परिचालन किया जाएगा, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री 10 मार्च को करेंगे। यहीं से अन्य 4 नए टर्मिनल जिसमें ग्वालियर, कोल्हापुर, पुणे और जबलपुर शामिल है, उसके विस्तारीकरण का भी शिलान्यास आजमगढ़ के एयरपोर्ट से ही करेंगे, जिससे वहां की टर्मिनल बड़ी होने के साथ 7 से 8 विमान उड़ सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री आजमगढ़ से दक्षिण भारत के 3 नए एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे, जिसके लिए भूमि पूजन का सीमांकन एवं ठेकेदार का टेंडर कर लिया गया है, जो 1 से 1.5 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 4 एयरपोर्टों पर जो नए टर्मिनल बने हैं, जैसे अपना ग्वालियर, पुणे, जबलपुर, कोल्हापुर, उन टर्मिनलों का भी यहाँ से उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा यूपी के 5 एयरपोर्ट जिसमें आजमगढ़ है, चित्रकूट, मुरादाबाद और अलीगढ़, इन एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। ये 19 सीटर प्लेन को चलाने के लिए एयरपोर्ट बन रहे हैं। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी जो है भूमि पूजन भी करेंगे। साउथ में हमारे 3 एयरपोर्ट में नई बिल्डिंग बनने वाली है, हुबली, बेलगावी एंड कड़प्पा में, तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। नए एयरपोर्ट, नए टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण किया जाएगा और नए भवनों की जो है आधारशिला रखी जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।